इतने देर से चलाए जा रहे हैं, फिर जाना कहाँ है? ये लो आ गए। हसीन करना क्या है? सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा। हुसैन जी। अब्बू बेटा, वो जो कमरा है ना, वहाँ साहब लोग बैठे हैं, जाओ चाय पियो। अच्छा अब्बू। फौजी का बुलेट यहाँ पे? जनाब, प्लान के मुताबिक कल रात हमारे लड़के बॉर्डर क्रॉस करेंगे। बच्चों, एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। बेगुनाहों की जान लेना कोई मजहब नहीं सिखाता। जो अपनों से ज्यादा पड़ोसी से प्यार करता है, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। क्यों मेरे शहजादे, आज ही अल्लाह ताला से सब कुछ मांग लिया क्या? अब्बू, हर रोज तो दुआ मैं अपने लिए मांगता था, पर आज की दुआ मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए मांगी है। क्यों, हिंदुस्तान में कोई कमी देखी क्या जो अल्लाह से मांगने की जरूरत पड़ गई? चलो खाना खाते हैं। अब्बू, मौलाना साहब ने तो हमें तालीम दी कि अपने से ज्यादा दूसरों के लिए सोचो, पड़ोसियों से मोहब्बत करो, उनके लिए दुआ करो, अल्लाह ताला तुम्हें बिना मांगे सब कुछ देंगे। तो फिर हम लोग आपस में क्यों लड़ते हैं? सरहदें खींचने से क्या भी इंसानियत बढ़ जाती है? नहीं मेरे बेटे, सरहदें तो इंसानों ने अपने फायदे के लिए बनाई है। अल्लाह ताला ने तो सिर्फ ये एक जहान बनाया है। अबू, तो फिर कुछ लोग क्यों हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आपस में लड़ाना चाहते हैं, बेगुनाहों को मारने की साजिश कर रहे हैं? मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब किसने कहा तुझसे? हाँ अम्मी, अबू आज मैंने खुद सुना, वो बात कर रहे थे जब मैं चाय देने गया था। जनाब, प्लान के मुताबिक कल रात हमारे लड़के बॉर्डर क्रॉस करेंगे और तैयारी ऐसी है कि इस बार तो पूरी दिल्ली उड़ानी है। आप बस अपने पाकिस्तानी सिपाहियों से कह दें
हमें बॉर्डर क्रॉस करा दे, आगे हम खुद निकल जाएंगे। दिल्ली में हमारे एजेंट से बात हो चुकी है। हिंदू मरे या मुसलमान, मरना हिंदुस्तानी ही चाहिए। असलम मियां, इस बात की फिक्र आप ना ही करो, हिंदुस्तानियों की चीख हमें भी सुननी है। इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है और मेरे दिमाग में पाकिस्तान का ये मुकम्मल नक्शा पहले से ही तैयार है। बहुत अच्छा, और अगली आवाज के लिए भी आप लोग तैयार रहें। ये आवाज पूरे पाकिस्तान में गूंजनी चाहिए। और शुरू होगा दोनों देशों में जंग का आगाज। दोनों देशों के बीच के प्यार को हम जंग में तब्दील कर देंगे। और शुरुआत होगी हमारी हुकूमत की। आमीन। ये अल्लाह, ये क्या सुन लिया मेरे बच्चे? क्यों सुन लिया तूने ये मेरे बच्चे? क्यों? तुमने किसी और से तो नहीं कहा? नहीं अब्बू। कहना भी नहीं बेटा, सब मारे जाएंगे। अल्लाह ताला पे सब छोड़ दो, वो सब ठीक कर देगा। अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा बेटा, सब ठीक कर देगा अल्लाह ताला, उस पर भरोसा रखो। हाँ बेटा, अल्लाह पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा बेटा। अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक कर देगा अल्लाह ताला, वो सब ठीक कर देगा। बेटा ऊपर अल्लाह बैठा है, वो सबकी सुनता है, अच्छों की, सच्चों की और खास तौर पे बच्चों की, क्योंकि बच्चे तो अल्लाह के फरिश्ते होते हैं ना। चाचा प्लीज का हरा कागज दीजिए। मदरसा तो सो रहे, तुम मेरी एक मदद करोगे? हाँ जरूर करूंगा, पर करना क्या है? चलो मेरे साथ। पर कहाँ? चलो तो सही। जाना कहाँ है? अरे चलो। पर बताओ तो जाना कहाँ है? अरे काम है, चलो अभी पूछो मत। हुसैन करना क्या है? पतंग उड़ानी है। क्या? अभी कुछ मत पूछो, सब बाद में बताऊंगा। लो पकड़ो। या खुदा, अब्बू कहते हैं आप सब ठीक कर देते हैं, मैं आपको ये पैगाम भेज रहा हूँ, इसे कबूल करें।
हैं ताला। मैंने सुना है कल कुछ लोग हिंदुस्तान के सरहद में घुसेंगे बर्बादी का पैगाम लेकर। मैं जो तालीम मदरसा में हासिल कर रहा हूँ, जो मैं अपने आसपास होते देख रहा हूँ, उसमें इतना फर्क क्यों है मेरे अल्लाह? हमारा मजहब हमें कत्ल करने से रोकता है, तो कुछ लोग कत्ल क्यों करते हैं? क्यों हमारी तालीम और हमारे हरकतों में इतना फर्क है? वहाँ भी तो मेरे जैसे छोटे छोटे बच्चे होंगे। जब आप मुझे हर परेशानी और मुसीबत से महफूज रखते हैं, तो क्या आप उन बच्चों को इस परेशानी और मुसीबत से महफूज नहीं रखेंगे? रखेंगे ना। मुझे अपने अल्लाह ताला से बस उन बच्चों की खैरियत की उम्मीद है। यही मेरी दुआ है मेरे मालिक, आपका हुसैन। ये रेडियो पाकिस्तान है, मैं अमजद अली इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पाकिस्तानी हुकूमत ने पेशावर में बैरूनी मुल्कों के सरमायाकारी की वसात को बढ़ाने की गर्ज से एक नया एजेंडा तैयार किया। पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के लीडरान ने पाकिस्तानी हुकूमत के नाकाम होने की बात कही। वहीं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। अब बैनुल अक्वामी खबरें। हिंदुस्तानी फौजों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक बड़े घुसपैठ को नाकाम किया। बताया जा रहा है कि दहशतगर्द अगर घुसपैठ में कामयाब हो जाते तो ये अब तक का सबसे बड़ा हमला होता और हालात इस कदर संजीदा हो जाते कि दोनों मुल्कों के रिश्ते और भी नाजुक हो जाते। हिंदुस्तानी फौज के अफसर के मुताबिक उन्हें एक पतंग के जरिए ये खबर मिली जो पाकिस्तान के सिम्त से आई थी। उन्होंने ये भी बताया कि जिस किसी ने भी ये पैगाम भेजा है वो काबिल तारीफ है और हम उन्हें सलाम करते हैं और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से उस अल्लाह के फरिश्ते का शुक्रिया अदा करते हैं। कराची बॉम्ब धमाके में जितने भी लोग मारे गए हैं उन्हें 25,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। बॉम्ब धमाके किसने और क्यों किए इसकी जानकारी नहीं दी गई है। अफसरान के क्या हो बेटा? कुछ नहीं अबू।